मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किया था भानु प्रताप सिंह, उनका टिकट होल्ड पर डाल दिया गया है, ऐसा जानकारी मिल रही है। और पिछले काफी समय से उनका टिकट होल्ड पर है और बताया ये जा रहा है कि उनका पैराशूट लैंडिंग से समाजवादी पार्टी के जो तमाम मेरठ के विधायक और नेता है वो नाराजगी जताए हुए थे। अगर बात करें तो प्रधान योगेश वर्मा, समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी या किठोर विधायक शाहिद मंजूर, या फिर बात करें जिला अध्यक्ष की, तो सभी ने नाराजगी जताई थी। और इस टाइम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं समाजवादी पार्टी कार्यालय के, तो ये कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, और इस कार्यालय में फिलहाल कोई भी ऐसा चीज नजर नहीं आ रही है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। गेट जरूर खोल दिया गया है, कोई कर्मचारी आया होगा, उसने गेट जरूर खोल दिया है, खुल तो गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मीटिंग या प्रचार प्रसार होते हुए नहीं देखा गया है कि समाजवादी पार्टी कोई मजबूती से रणनीति कर इलेक्शन लड़ने जा रही हो भाजपा के सामने, अन्य पार्टियों के सामने। अब ये देखने वाली बात है कि कब तक समाजवादी पार्टी जो स्थिति है वो क्लियर करेगी। अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है समाजवादी पार्टी के मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी को लेकर। बताया ये जा रहा है कि 8 बार अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक कर ली है तमाम नेताओं के साथ, और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किया जा रहा है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी होगा, या चेहरा वही रहेगा या फिर बदला जाएगा, इस पर चल रहा है। अब सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल तक हो सकता है कि ये घोषणा हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि भानु प्रताप सिंह ही प्रत्याशी रहेंगे या फिर कोई अन्य नाम इसमें शामिल होगा। लेकिन अगर बात करें वहीं सत्ताधारी पार्टी की, एनडीए की, तो मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी घोषित किया है और प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लगभग आज की तारीख के हिसाब से 26 दिन बचे हैं जिस दिन दूसरे चरण का मतदान होना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले से बड़ी जनसभा कर प्रत्याशियों को और जितने भी कार्यकर्ता और जनता है उन पर जोश भरने का काम करने जा रहे हैं। 31 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है और उसमें जयंत चौधरी आरएलडी के मुखिया भी शामिल होने वाले हैं। तमाम तैयारी जहां पर सत्ताधारी कर रहे हैं, वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।